करोड़ 50 करोड़ ना 50 अरब भी उनको दे देवे ना, इंसान के साथ हम तो गारंटी है कि मैं कब ने मुझे मरना है। मौलाना साहब को कहना चाहिए कि जनाब वो अपना नमाजें पढ़े और किसी मस्जिद में बड़ा से मस्जिद में जो है ना आप इमामत पकड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? हम मेराबादी से। क्या करने आए यहाँ पे? ये इधर जलसा है ना ये खान साहब का, उसके लिए आए। ये जो पहले लोगों ने जितना बाचाई किया और जितना लोगों ने इतना अरसा गुजारा है तो पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने किया बग़ैर अयूब बाबा से। न कोई नहर बनाया है, न कोई डैम बनाया है, न कोई अभी भी बिजली का लोड शेडिंग 12-12, 14-14 घंटे हो रहा है। खान साहब ने पौने 4 सालों में क्या किया है? उसने जो कुछ किया ना वो हमें भी पता है और सब दुनिया को पता है। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए का इलाज, ये छोटी बात है। वो आपके मुखालिफिन कहते हैं कि खान साहब ने तो मुल्क को तबाह कर दिया पौने 4 सालों में। तो अगर वो ये ना कहे तो क्या कहेगा? उसका तो वो तो बानी ढूंढेगा ना। क्या क्या किया खान साहब ने शनाख्ती कार्ड के अलावा? कार्ड के ऊपर उन्होंने पैसे लोगों के दिए कि जनाब इलाज करो, जिस मर्जी है उधर इलाज करो, नंबर एक। दूसरी नंबर पे बात ये कि उन्होंने जो दूसरे 14-14 लाख रुपए लोगों को दिलवाए, इनका हुकूमतों में तो अभी भी 2000 रुपए वो लेडीज़ लगा हुआ था, 2000 रुपए इस तरह करते थे। ये तो ये लोग तो वो पैसे हमें अपनी तरफ से नहीं दे रहे, ये तो हमारा मुल्क का सर, हमारा टैक्स का पैसे जमा हो रहा है। न कोई अभी तक डैम बना, न कोई नहर बना। आपको मिले 2000 रुपये? हमें नहीं मिला, लेकिन मेरे बहुत सारे भाइयों को तो मिला है ना। 2000 किधर मिला है? मतलब वो 14000 में जी नहीं मिला अभी तक, लेकिन मैं हकीकत तो ये बता रहा हूँ, बहुत सारा गरीबों को तो मिला है ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मजदूरकार है, हम मजदूरी का कमाते हैं तो काता है, हमारे को कोई भी नहीं देता है, लेकिन हमारा नज़र लगता है। हमारा 61 साल उम्र है, इतना अरसे में हमने इधर इस्लामाबाद में वो पाकिस्तान में गुजारा है। हमें खान साहब में और जो दीगर सियासतदान है उनमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पाकिस्तान के लिए अभी इन्होंने जो करना था ना, इतना इन लोगों ने 4 साल में इसने जो किया ना उतना उन लोगों ने इतना ज़माने में नहीं किया। मौलाना साहब तो कहते हैं कि खान साहब यहूदियों के एजेंट हैं। तो यहूदियों का एजेंट तो वो तब होता था कि अभी भी इसराइल के साथ वो गोद में जाके बैठता है। कौन? ये मौलाना पले रहमान के लोग, दूसरे पार्टियों के लोग। और शेद हो सके मैं अगर मर गया तो मर गया, अगर मैं ज़िंदा हूँ ना तो ये बात आप याद रखें, अगर ये हुकूमत रह गया और खान को अभी ना मिला तो ये याद रखो थोड़ा अरसे में ये लोग जो है इसराइल को तस्लीम कर देगा। क्या वजह है, क्यों तस्लीम करेंगे? ये तस्लीम करेंगे नहीं, मुझे पता है ना, हमारा भी इतना एक्सपीरियंस हो गया 61 साल। अच्छा, ये जो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है पंजाब में कल के इंतखाब के हवाले से, उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? हो गया, कौन जीतेगा कल? कल इमरान खान कैसे जीतेगा? वो तो आज राणा सनाउल्ला साहब ने कहा है कि 50 लोग भी हमारे पास आ सकते हैं, हमें वोट दे सकते हैं। 188 लोग इनके पास है, लेकिन वो राणा सनाउल्ला कहते हैं कि बहुत से लोग हमारे हक में वोट दे सकते हैं। नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जो इस वक्त पैसे दिए जा रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए, मेरे तरफ से ये भी एक मैसेज है कि इमरान खान को चाहिए कि इस तरह लोग अपने 7 पार्टियों में शामिल ना करें ताकि वो तेरे से कल। जो 50-50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? तो 50 लाख रुपए यार, 50 करोड़ ना 50 अरब भी उनको दे देवे ना, इंसान के साथ हम तो गारंटी है कि मैं कब ने मुझे मरना है। ये बेवकूफ़ है कि वो पैसे को असर करता है। आओ, वो बेवकूफ़ है कि पैसों के पीछे असर करता है। मौलाना साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौलाना साहब को कहना चाहिए कि जनाब वो अपना नमाजें पढ़े और किसी मस्जिद में बड़ा से मस्जिद में जो है ना आप इमामत पकड़े। सियासत ना करें, सियासत ना करें, ये सियासत जो है ना ये इस तरह मौलियों का काम नहीं है।